hello students in this lecture we will discuss about the avl tree and its rotations which are very important because without rotation you cannot create the tree neither insertion nor deletion so first of all introduction of the avl tree the name avl is actually the short form of two russian mathematicians names and uh, this tree was discovered in 1962 e. so e. उनके ऑनर देने के लिए उनके नाम पर इस का नाम A V L ट्री रखा गया है अगर इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन की बात करें एक लाइन में अगर हम इसे कहें तो इसको बोलते हैं कि इट इज ए सेल्फ बैलेंस्ड बाइटरी ये जो भी ट्री होगा इसकी हाइट हमेशा होने का क्या है? वो भी आगे देखते हैं ये बी एस टी जब ने इसके पहले पढ़ा था बाइनरी सर्स ट्री तो उसी का ये एक एडवांस फॉर्म हो गया इसमें हमने बी एस टी में देखा था कि कभी भी हम सर्चिंग इफिशियंटली तभी कर सकते हैं जब लेफ्ट हाइट और राइट right हाइट में ज्यादा से ज्यादा एक का डिफरेंस हो मींस लेफ्ट हाइट और राइट right हाइट इनको माइनस करें लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट तो वो डिफरेंस वन आए अब वो पॉजिटिव नेगेटिव आए और बेटर क्या है कि वो जीरो आए अगर ऐसा होगा हाइट में इतना कम डिफरेंस होगा तो उसमें सर्चिंग इज़ी होती है तो इसी डिफरेंस जो हाइट का जो डिफरेंस है उसी को हम यहाँ पर स्पेशल नाम देते हैं ट्री में बैलेंस फैक्टर तो इन शॉर्ट आपको एव ट्री में हर एक नोट का बैलेंस फैक्टर लिखना होता है और बैलेंस फैक्टर के बेसिस पर ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो ट्री है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है तो बैलेंस फैक्टर की हो गई द द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट साइब ट्री यानी कि जिस नोड का हमें बैलेंस फैक्टर लिखना है उस नोड की आप आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि ट्री की हाइट अलग होती है और किसी पर्टिकुलर नोड की हाइट अलग होती है निकालने का मेथड लगभग सिमिलर ही है लेकिन आप नोड की हाइट और ट्री की हाइट में डिफरेंस होता है जो रूट की हाइट होती है वो ट्री की हाइट कहलाती है और किसी पर्टिकुलर और नोड की अगर हाइट दे रहे हैं तो केवल उस नोड पर फोकस होंगे तो उस पर्टिकुलर नोड का लेफ्ट हाइट और राइट हाइट इन दोनों का जो डिफरेंस लोगे आप उसको बैलेंस फैक्टर बोलते हैं तो एवीएल ट्री के, के केस में जो बैलेंस फैक्टर की अलाउड लिमिट है वो है माइनस वन से प्लस वन तक यानी कि ना माइनस वन से छोटा होना चाहिए और ना प्लस वन से बड़ा होना चाहिए तो जनरली तीन वैल्यूज अलाउड होती हैं माइनस वन जीरो एंड प्लस वन अगर माइनस वन है हाइट इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट हाइट और राइट हाइट का हमने डिफरेंस लिया और वैल्यू नेगेटिव आ गई यानी कि लेफ्ट हाइट हमारी छोटी थी और राइट हाइट बड़ी थी तभी ये नेगेटिव आ गई यानी कि वो राइट साइड में ज्यादा हाई था लेफ्ट साइड में कम हाई था और अगर बैलेंस फैक्टर की वैल्यू पॉजिटिव आती है प्लस वन, इसका मीनिंग हुआ कि लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट किया और हमें प्लस वन मिला इसका मीनिंग ये हो गया कि लेफ्ट हाइट इज ग्रेटर देन द राइट हाइट और अगर ये जीरो आ रही बैलेंस फैक्टर की वैल्यू मीनस लेफ्ट हाइट में और राइट right हाइट में uh, कोई डिफरेंस नहीं है यानी कि दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ नोट्स हैं बिल्कुल आइडियल कंडीशन है तो ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इन द एल ट्री द अलाउड वैल्यू ऑफ द बैलेंस फैक्टर इज ओनली माइनस वन जीरो एंड प्लस इफ द वैल्यू इज बिलो माइनस वन मीन माइनस टू माइनस थ्री

60, 90, ये सारे लीफ नोड हैं इनका बैलेंस फैक्टर जीरो क्यों होता है क्योंकि इनकी लेफ्ट हाइट वन हो गई और राइट right हाइट भी वन हो गई तो वन माइनस वन जीरो सिमिलरली यहाँ पर भी वन माइनस वन जीरो पर भी लेफ्ट हाइट वन राइट हाइट भी वन ये भी जीरो वन माइनस वन जीरो इसमें देखिए फिफ्टी फाइव में ये इंटरमीडिएट नोड है इंटरनल नोड है इसमें देखिए इस पर्टिकुलर नोड का अगर बैलेंस फैक्टर लिखे तो लेफ्ट हाइट हो गई वन टू टू और राइट हाइट हो गई वन टू यानी टू टू माइनस टू ये जीरो हो गया सिक्सटी सेवन का अगर बैलेंस फैक्टर लिखे तो इसकी लेफ्ट हाइट देखिए जहां नोट है जिसका बैलेंस फैक्टर लिखना वहां से लेके लीफ नोट तक आ जाइए जो मैक्सिमम पाथ लेफ्ट में मिल जाए और जो मैक्सिमम पाथ राइट में मिल जाए वही यहाँ पर तो यहां पर देखिए इसे दो दो लेफ्ट में आप देखिए वन टू थ्री इधर भी वन टू थ्री इधर भी तो यानी कि ये पूरा लेफ्ट हाइट अगर इस सिक्सटी सेवन का लेफ्ट देखें तो दोनों साइड में उसको काउंट करते हुए वन टू थ्री One, two, तो यानी कि लेफ्ट हाइट हो गई थ्री थ्री और थ्री में मैक्सिमम थ्री और राइट right हाइट में अगर आप मूव करें तो रूट नोट से लीफ तक आना है तो तो एंड राइट हाइट हो गई टू तो थ्री माइनस टू यानी प्लस वन. जनरली इसमें केवल वन ना लिख के केवल टू ना लिख के प्लस वन या प्लस टू लिखते हैं जिससे हमें आइडिया मिल जाए कि पॉजिटिव है नेगेटिव है <coughs> अब वही आप देखिए राइट साइड में ये जो दो ट्री बने हुए हैं अच्छा ये जितने भी हैं इसमें देखिए जितने भी बैलेंस फैक्टर लिखे हुए हैं ये सारे है, तो है, 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 है। इसीलिए इसको सर्च ट्री कहा गया है, या इसको है और इन राइट right ट्रीज में आप देखिए यहाँ पर जो ये ट्री है ये अनबैलेंस्ड है इस वजह से क्योंकि इसका बैलेंस फैक्टर तो लीफ नोट का तो जीरो होता ही वन माइनस वन जीरो टू और माइनस वन तो वन आ गया प्लस वन इसका आप देखेंगे तो लेफ्ट हाइट हो गई वन टू थ्री और राइट right हाइट में केवल एक नोड है ये वाला खुद ही तो थ्री माइनस वन यानी कि प्लस टू आ गया लेकिन आप देखिए प्लस टू की वजह से ये अनबैलेंस हो गया क्योंकि वैल्यू प्लस वन से बड़ी नहीं हो सकती आप इसमें देखिए अलाउड लिमिट है क्या है माइनस वन जीरो एंड प्लस वन और यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई प्लस टू तो इस वजह से इस इस बैलेंस फैक्टर या इस पर्टिकुलर नोड की वजह से इसको हम अनबैलेंस्ड बी सस्टी कहते हैं और इस तरह के अरेंजमेंट को हम स्क्यूड बाइंड्री ट्री बोलते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में बढ़ते चले जाए जैसे ये हो गया लेफ्ट स्क्यूड सर्च ट्री ये हो गया राइट स्क्यूड सर्च ट्री अब इसमें, इसमें भी यही है इसका बैलेंस फैक्टर जीरो इसका बैलेंस फैक्टर आप देखेंगे तो वन लेफ्ट में वन हाइट है खुद ही काउंट हो गया और राइट में वन एंड टू तो वन माइनस टू तो माइनस वन हो गया इसका बैलेंस फैक्टर आप लिखेंगे तो लेफ्ट में वन और राइट में वन टू थ्री तो वन माइनस थ्री माइनस टू हो गया लेकिन माइनस टू अलाउड नहीं है चूंकि वैल्यू माइनस वन है और ये उससे भी लोअर चली गई देर फॉर दीज टू ट्रीज आर अनबैलेंस्ड सर्च ट्री और ए नॉन एवियल ट्री अब ये जो बैलेंस फैक्टर होते हैं ये हमें हर एक नोट पर लिखने जरूरी होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लिखते तो ये मिस्टेक है आपकी इसको जरूर लिखना चाहिए अब आप, आपने देखा अभी कि कभी भी बैलेंस फैक्टर जब तक माइनस वन या प्लस वन के बीच में है तब तक ओके okay है इसके बाद उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है अच्छा ये बैलेंस फैक्टर हर एक नोट के इंसर्शन या हर एक नोट के डिलीशन के साथ सारे नोट के बैलेंस फैक्टर चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कई केसेस में नहीं भी चेंज होते कई बार चेंज भी होते हैं जिस डायरेक्शन में नोट ऐड या डिलीट होता है उस डायरेक्शन के नोट का बैलेंस फैक्टर चेंज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं

अब जब ये अनबैलेंस हो जाता है तो व्हाट इज द रेमेडी द रेमेडी इज द रोटेशंस मींस वी हैव टू रीबैलेंस द अनबैलेंस ट्री एंड फॉर रीबैलेंसिंग वी हैव टू यूज वेरियस रोटेशंस एंड फोर कॉमन रोटेशंस और फोर पॉपुलर रोटेशंस आर एलएल रोटेशन आरआर रोटेशन एलआर रोटेशन एंड आरएल रोटेशन इनको भी आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे क्या होते हैं यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं कि कभी भी किसी एवीएल ट्री में जैसे आपने बाइनरी सर्च ट्री में देखा था कि वहां पर इंसर्शन डिलीशन और सर्चिंग का जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी वो बिगो एच होती थी या बिगो एन होती थी और एवीएल ट्री के केस के के में जो की हाइट यहाँ पर बैलेंस्ड होती है हाइट में डिफरेंस जो होता है वो वन से ज्यादा का नहीं होता तो यहाँ पर जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इंसर्शन डिलीशन और सर्चिंग के केस में वो होगी बिगो ऑफ लॉग एन बेस टू याद रखियेगा आप लोग नाउ रोटेशन पार्ट हाउ रोटेशन टू री बस दिन देर आर मोर देन वन नोट बैलेंस फैक्ट्री इज आउट ऑफ अलाउड रेंज देन बैलेंसिंग इज डन एट दिन नोट एट दीपे डीपेस्ट लेवल ऑफ द ट्री जैसे रूट ट्री के केस में आपने लेवल देखा होगा रूट का लेवल जीरो होता है और रूट के जो चाइल्ड होते हैं वो लेवल वन पर होते हैं इन रूट के चाइल्ड के जो चाइल्ड होते हैं यानी रूट के जो ग्रांड चिल्ड्रेन होते हैं वो लेवल टू पर होते हैं इसी तरह इनको लेवलिंग कहते हैं तो अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे कि हर कई लेवल पर गड़बड़ है यानी कि लेवल वन पर भी प्लस टू या माइनस टू बैलेंस फैक्टर दिख रहा है लेवल टू पर भी दिख रहा है तो सबसे पहले लेवल टू वाले को बैलेंस करेंगे यानी कि जो डीपेस्ट लेवल पर सबसे पहले बैलेंस करेंगे तो जो टॉप लेवल है वहां पर ऑटोमेटिक वो बैलेंस हो जाएगा अभी आने वाली स्लाइड्स में आप एग्जाम्पल में देखोगे तो आपको ये ज्यादा क्लियर होगा मैंने पहले बताया आपको तो कुछ हमें जो रोटेशन है एल एल आर आर वो हम बाद में देखेंगे पहले मेजर रोटेशन देखते हैं कि होते क्या है रोटेशन कौन कौन से मेजर रोटेशन हैं तो दियर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रोटेशन लेफ्ट रोटेशन राइट रोटेशन सिंगल रोटेशन एंड डबल रोटेशन

at that particular node we have to perform a left rotation वैसे भी आप याद रखने के लिए नेगेटिव में में लेफ्ट करना है पॉजिटिव राइट right करना है इसको याद रखने का सिंपल तरीका आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी ओरिजिन से जब आप लेफ्ट चलते हो तो नेगेटिव वैल्यूज मिलती हैं यानी कि अगर आपको नेगेटिव वैल्यूज लेनी है तो आपको लेफ्ट चलना पड़ता है उसी तरह आप यहाँ देखिए अगर निगेटिव बैलेंस फैक्टर को आपको बैलेंस करना है तो आपको लेफ्ट रोटेशन लेना पड़ेगा सिमिलरली अभी आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि जहां पर पॉजिटिव बैलेंस फैक्टर होगा पॉजिटिव और अलाउड लिमिट के बाहर यानी टू प्लस, प्लस इस तरह के जो वैल्यूज हैं अगर ऐसी कहीं दिखेंगी तो वहां पर आपको राइट right रोटेशन करना पड़ेगा वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कॉर्डिनेट जो रिलेट कर सकते हैं कि ओरिजिन के राइट right जब आप चलते हो तो पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए आपको राइट right चलना है सिमिलरली यहाँ पर अगर पॉजिटिव बैलेंस फैक्टर है और आउट ऑफ लिमिट है तो उस पर हम राइट right रोटेशन करके उसे बैलेंस करते हैं तो अब ये लेफ्ट रोटेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या हुआ सपोज ये टी वन टी टू टी थ्री ये हमारे सब ट्रीज हैं यहां पर सपोज करिए बहुत सारे ट्रीज पर लगे हैं तो समराइज करके एक शॉर्ट में बना बना दिया ऐसे B के लेफ्ट और राइट right में पूरा एक नोड्स का एक पूरा ग्रुप है उनको हमने टी टू टी थ्री इन जनरल कह दिया अब सपोज करिए हमने उसका सबका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट किया और बी का बैलेंस फैक्टर माइनस वन है और ए का बैलेंस फैक्टर माइनस टू है इस केस में आप देखिए यहाँ पर एक लेफ्ट रोटेशन होगा क्योंकि माइनस टू ये तो बैलेंस है, तो है तो अलाउड लिमिट लिमिट में है है ये आउट ऑफ तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें ए को लेफ्ट रोटेट करना पड़ेगा लेफ्ट रोटेट करने पर हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ए और इसके लेफ्ट सब ट्री इनमें कोई चेंज नहीं आएगा ये जो रोटेशन होगा वो इस पॉइंट के अबाउट होगा ऐसा आप रिज्यूम करिए जैसे ये रॉड यहाँ पर एक हिंस है यहाँ के थ्रू रोटेट कर सकती है यह ये यहाँ से नीचे या ऊपर जा सके ऊपर ऊपर तो ले नहीं जाएंगे हमें अल्टीमेटली नीचे ही लाना होगा और उसको लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड बनाना होगा तो इनके लिए करेंगे कैसे अगर हम इस पूरी असेंबली को यहाँ से लाके इसके लेफ्ट चाइल्ड बी का लेफ्ट चाइल्ड बनाना चाहें तो ये दिक्कत होगी क्योंकि ये ऑलरेडी ये हमारे टी टू यहाँ पर अटैच है तो इसका सबसे पहले तरीका क्या होता है हाँ, जो येलो पार्ट है इसे हमें नीचे लाना है रोटेट करके लेफ्ट चाइल्ड बनाना है बी का लेकिन हमें टी टू ऑलरेडीड है बी के लेफ्ट पर तो हमें सबसे पहले टी टू को डिटैच करना होगा तो यहाँ से हमने टी टू को आपको ऐसे एज्यूम करना होगा कि सपोज करिए जैसे T2 को कर अलग कर लिया टी टू हट गया अब यहाँ स्पेस फ्री हो गया अब बी का लेफ्ट चाइल्ड जो है यहाँ पर ये लेफ्ट नोट फ्री हो गया अब इसको धीरे धीरे इस पूरी असेंबली को नीचे उतार के ला के लेफ्ट चाइल्ड बना लेना है जैसे देखिए ऐसे उतारते उतारते ये लाके लेफ्ट चाइल्ड बना लिया आपने गौर किया होगा इनमें कोई चेंज नहीं आया ये पहले भी ए के लेफ्ट में टी टू टी वन था अभी भी है केवल ये जो यहाँ पर था ये रोटेट होते होते रॉड यहाँ पर आ गई इसीलिए इसको ग्रीन कलर से शो किया है कि जो चेंजेस आएंगे इसमें आएंगे पहले इसका एलिवेशन ऐसा था अब ये नीचे आ गया अब जो हमने टी टू को डिटैच करके रख लिया था ये इसमें देखिए आपने जो टी टू को डिटैच किया था ये वाला पार्ट अब इसको जो पार्ट आप नीचे लेके आओगे उसका जो भी आर्म फ्री हो उसमें अटैच कर देंगे तो आपने देखा कि जब नीचे आया तो इसके राइट आर्म फ्री है तो जो टी टू हमारा था टी टू सब ट्री है उस सब ट्री को हम इसमें अटैच कर देंगे उसको हम के राइट में अटैच कर देंगे तो कुल मिला के हमें ये मिल गया यानी कि अगर हम इस पूरे लेफ्ट रोटेशन को समराइज करें इट मीनस अगर हम लेफ्ट रोटेशन को समराइज करें तो इसका ये मीनिंग हुआ कि जब भी हमें कहीं ऐसा अरेंजमेंट मिले जहाँ पर आप बॉटम टू टॉप चेक करो और जहाँ पर गड़बड़ हो रही है मीन्स माइनस टू प्लस टू मिल रहा है फिलहाल लेफ्ट रोटेशन की बात है तो माइनस टू होगा और उसके ठीक नीचे जिस पर अटैच है वो माइनस वन है तो यहाँ पर एक लेफ्ट रोटेशन देना होगा और लेफ्ट रोटेशन देकर ये होल असेंबली नीचे आ जाएगी और ये पार्ट इसके राइट पर अटैच हो जाएगा टी टू पहले डिटैच होगा फिर जब ए और ये असेंबली नीचे आएगी तो ये इस पर अटैच हो जाएगा और ये इसके बाद जब आप इसका बैलेंस फैक्टर लिखोगे और बी का तो इट राइट रोटेशन सिमिलरली फॉर द राइट रोटेशन इफ देयर आर ए नोड देयर इज ए नोड बैलेंस फैक्टर इज प्लस टू देन वी है राइट रोटेशन एट दैट नोड अब जब ये राइट रोटेशन होगा तो ये पूरी असेंबली नीचे आएगी ये टी थ्री लगा हुआ है टी थ्री यहाँ पर दिक्कत करेगा तो पहले टी थ्री को डिटैच कर लीजिए इसको नीचे आ जाइए ये पूरा जब नीचे आ जाएगा फिर टी थ्री को इसके लेफ्ट आर्म इसकी फ्री होगी वहां पर अटैच कर देंगे कैसे इसको, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ये जो येलो असेंबली इसी को नीचे लाना है राइट रोटेशन ए का होना है तो ए मीन्स ए और उसकी पूरी असेंबली नीचे आएगी तो ये यहाँ से रोटेट होगा यहाँ से ये यू रोटेट होगा जो ये लाइन है ये रोटेट होकर राइट चाइल्ड बन जाएगा तो पहले टी की वजह से प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बी का राइट आर्म फ्री नहीं है तो टी को डिटैच किया हमने अब फ्री हो गया अब ए को नीचे ले आते हैं ये नीचे आ गया है अब देखिए ये नीचे आने के बाद जो नीचे रोटेट हो गया है उसी पर अटैच करना है इसकी लेफ्ट आर्म फ्री है जैसे लेफ्ट वाले में आप राइट देखते थे राइट आर्म फ्री होती थी तो इसी तरह राइट रोटेशन में आप देखेंगे लेफ्ट आर्म फ्री है तो वहां पर आप इसको अटैच कर दीजिए इसको स्टार्ट में डिटैच किया था टी को ये एक सब ट्री है और में फाइनली ये मिल जाएगा यानी कि अगर हम राइट रोटेशन को समराइज करें तो इस तरह के किसी भी अरेंजमेंट को आप राइट रोटेट करके इस तरह का बना सकते हैं यानी कि जहां पहले ए रूट नोट था वहां पर बी रूट नोट बन गया और ए का लेफ्ट चाइल्ड भी था अब बी का राइट चाइल्ड हो गया हमने लेफ्ट और राइट रोटेशन पढ़ लिया कि जब प्लस 2 बैलेंस फैक्टर दिखा यानी पॉजिटिव में दिखा तो राइट रोटेशन करेंगे और माइनस टू या नेगेटिव का कुछ और दिखा तो हम लेफ्ट रोटेट करेंगे उस नोट को और लेफ्ट या राइट right चाइल्ड बना देंगे नाउ वी सी दर क्लासिफिकेशन ऑफ रीबैलेंसिंग द री ट्री सपोज वी हैव नोट एन एक नाम दे दिया कैपिटल एन जिस नोट पर फोकस कर रहे हैं उसका नाम कैपिटल एन दे दिया और इस एन नोट का जो बैलेंस फैक्टर है वो आउट ऑफ लिमिट है मींस वो माइनस वन और प्लस वन के बीच नहीं है यानी कि प्लस टू है या माइनस टू है

क्योंकि आपने अभी दो रोटेशन पढ़ी लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन लेफ्ट रोटेशन को शॉर्ट में एल कहा राइट रोटेशन को शॉर्ट में आर कहा तो लेफ्ट और राइट के कितने परमोटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यही फोर बन सकते हैं लेफ्ट लेफ, लेफ, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट तो एल एल रोटेशन को हम जनरली कैसे पढ़ते हैं उल्टा पढ़ेंगे यहाँ से लिखेंगे इधर पढ़ेंगे इधर लेफ्ट ऑफ लेफ्ट रोटेशन आर आर को राइट ऑफ राइट रोटेशन अब एल एल और आर आर में तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप लेफ्ट टू राइट पढ़िए राइट टू लेफ्ट पढ़िए लेकिन एल आर और आर एल के केस में आपको ये इम्पोर्टेंस इसका महसूस होगा एल आर रोटेशन मीन्स राइट ऑफ लेफ्ट रोटेशन आर एल रोटेशन मीन्स लेफ्ट ऑफ राइट रोटेशन अब एल एल और आर आर रोटेशन में आप इनको हम एल एल और आर आर रोटेशन को सिंगल रोटेशन भी बोलते हैं या यूं कह समझ सकते हैं कि एल एल रोटेशन और आर आर रोटेशन में ये इस तरह के सिचुएशन में हम एक सिंगल रोटेशन के थ्रू ट्री को बैलेंस कर सकते हैं और एल आर और आर एल रोटेशन इनको हम डबल रोटेशन भी बोलते हैं या इनका इन अदर हम वी कैन से सेल आर एंड आर एल सिचुएशन वी नीड टू रोटेशन और डबल रोटेशन टू बैलेंस आवर सर्च ट्री और नॉन एबल ट्री अब वन बाय वन हम देखते हैं क्या है एलएल रोटेशन लेफ्ट ऑफ लेफ्ट रोटेशन लेफ्ट ऑफ लेफ्ट मींस जो हमने नया नोड इंसर्ट किया है वो जिस नोड पे इंसर्ट किया है वो इस नोड एन के लेफ्ट में था मींस द न्यूली इंसर्टेड नोड इज इन द लेफ्ट सबट्री ऑफ लेफ्ट सबट्री ऑफ नोड एन सिमिलरली आरआर रोटेशन में क्या होगा कि जो हमने रिसेंटली नोड ऐड किया है जिस नोड पर अटैच किया है वो नोड ऑलरेडी अपने एंसेस्टर uh, के राइट right में था

वो खुद इस एन के लेफ्ट में था मीन्स जो नया नोड अटैच हुआ है वो राइट ऑफ लेफ्ट है यानी कि जिसके राइट में अटैच हुआ है वो खुद एन के लेफ्ट में था इन द सेम मैनर वी कैन अंडरस्टैंड द रोटेशन इट इज राइट रोटेशन लेफ्ट ऑफ राइट रोटेशन मीन द इंसर्टेड नोड इज इन द लेफ्ट सब्टी ऑफ राइट सब्टी ऑफ नोड एन यानी कि जो नोड अभी अभी जिसके लेफ्ट में अटैच हुआ है वो वाला नोड ऑलरेडी एन के राइट में था अब एल एल रोटेशन और आर आर रोटेशन ये सिंगल रोटेशन कहलाते हैं मीन्स सिंगल रोटेशन इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस द अनबैलेंस ट्री इन केस ऑफ एल एल सिचुएशन एंड आर आर सिचुएशन एक सिचुएशन है मीन्स लेफ्ट ऑफ लेफ्ट और राइट ऑफ राइट तो लेफ्ट ऑफ लेफ्ट सिचुएशन में जो रोटेशन सिंगल रोटेशन परफॉर्म करते हैं उसी को एल एल रोटेशन कहते हैं और जो राइट ऑफ राइट सिचुएशन में रोटेशन परफॉर्म करते हैं उसी को हम आर आर रोटेशन कहते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं एल एल रोटेशन क्या है मींस लेफ्ट ऑफ लेफ्ट रोटेशन जैसे हमने एक नोट अटैच किया ए और अब इसके लेफ्ट में एक और नोट अटैच करते हैं ये बी और एक नोट इसी के और लेफ्ट में अटैच कर देते हैं सी अब देखिए ये ए जो है वो कैपिटल एन था जिसको हमने बोला था तो जो रिसेंटली नोड अटैच किया है सी वो जिसके लेफ्ट में अटैच किया है ये बी ऑलरेडी ए के लेफ्ट में है मींस लेफ्ट ऑफ लेफ्ट यानी कि सी जो अभी अभी लेफ्ट में बी के अटैच हुआ है वो बी ऑलरेडी ए के लेफ्ट में था तो जब इस तरह की कंडीशन होगी तो इनको बोलते हैं एल एल सिचुएशन और इस केस इसको बैलेंस करने के लिए जो रोटेशन करते हैं उसे बोलते हैं एल एल रोटेशन अब इस केस में आप देखिए बॉटम टू टॉप चेक करते चले जाइए मीनस एन तक चले जाइए ये ये इस केस में ये एन है कैपिटल एन है और ये रिसेंटली एडेड नोड है तो ये इसका बैलेंस फैक्टर देखिए क्या है वन माइनस वन जीरो इसका बैलेंस फैक्टर होगा टू माइनस वन यानी प्लस वन और इसका बैलेंस फैक्टर होगा थ्री माइनस वन यानी कि प्लस टू तो अब देखिए ये भी ओके था ये भी ओके था लेकिन ये इसका बैलेंस फैक्टर एलाउड लिमिट से बाहर है यानी कि इसको बैलेंस करना पड़ेगा तो यहाँ पर सेम साइन है एल एल रोटेशन यहाँ पर राइट रोटेशन परफॉर्म होगा राइट right रोटेशन क्यों पर बैलेंस फैक्टर ऑफ दिस नोट इज पॉजिटिव अभी हमने लेफ्ट और राइट रोटेशन पढ़ा था लेफ्ट कब करते थे जब बैलेंस फैक्टर आउट ऑफ द लिमिट हो निगेटिव हो राइट right रोटेशन तब परफॉर्म करते हैं जब आउट ऑफ द लिमिट हो जिस नोट का बैलेंस फैक्टर आउट ऑफ द लिमिट है एंड

एल एल रोटेशन के बाद अब वापस अगर लिखिए आप, तो leaf का तो 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 देखिए देखिए का का ही होता है balance factor. इस लिखेंगे हो गया, ये अनबैलेंस था ये बैलेंस हो गया एक सिंगल राइट रोटेशन के थ्रू यानी एल रोटेशन के थ्रू हमने इसको बैलेंस कर दिया नाउ द सेकेंड रोटेशन इज आर आर रोटेशन मीन रोटेशन सिचुएशन जैसे राइट ऑफ राइट का मीनिंग क्या हुआ सपोज करिए एक नोड ऑलरेडी था ए अब इसके राइट right में एक नोड अटैच किया और उसके भी राइट right में एक नोड अटैच कर दिया तो अब ये सी देखिए सी कहा अटैच हुआ बी के राइट right में जो कि खुद ए के राइट right में था मीन सी इज इन द राइट ऑफ राइट सी जिस पर अटैच हुआ वो खुद सी राइट right में अटैच हुआ बी के सी बी uh, के राइट चाइल्ड की तरह अटैच हुआ और बी खुद एक राइट चाइल्ड था इसीलिए इसको बोलते हैं राइट ऑफ राइट सिचुएशन या तो अब इस केस में जो रोटेशन करेंगे वो कहलाएगा राइट ऑफ राइट रोटेशन या रोटेशन इन शॉर्ट अब ये अनबैलेंस क्यों है ये तो ओके है इसका भी बैलेंस फैक्टर ओके है क्योंकि वन माइनस टू तो माइनस वन तो इसका बैलेंस फैक्टर लेकिन इसका बैलेंस फैक्टर आप देखिए वन माइनस वन टू थ्री माइनस टू आ गया तो इसको हम ये आउट ऑफ द तो लिमिट भी है और निगेटिव है लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा जब लेफ्ट रोटेशन करेंगे तो ये सपोज करिए यहाँ से मूव करके और ये पूरी असेंबली नीचे यहाँ पर आके और बी का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगी इस तरह से देखिए ए रोटेट हुआ इसको आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा ऐसा लगे कि यहाँ से हिंसड है और ये होते होते यहाँ आ गया और यहाँ पर अटैच हो गया तो बी रूट बन गया सी पर ये बी सी असेंबली एज इट इज रही ए केवल डाउन आके और बी का लेफ्ट चाइल्ड बन गया दिस इज नोन एज सिंगल रोटेशन एंड

और निगेटिव से हमें पता चल गया कि लेफ्ट रोटेशन होना है सिंगल तो होना है लेकिन सिंगल रोटेशन राइट भी हो सकता था लेकिन यहाँ पर बैलेंस फैक्टर नेगेटिव है तो हमने कह दिया कि इस पर सिंगल रोटेशन होगा और लेफ्ट रोटेशन होगा सिमिलरली जो पिछला हमने पढ़ा था एल रोटेशन उसमें देखिए आप हमने बॉटम टू टॉप चेक किया जब सी अटैच हुआ तभी ये बैलेंस फैक्टर गड़बड़ हुआ था अब यहाँ पर देखिए ये भी ओके है ये भी ओके है यहाँ पर गड़बड़ मिली पहले लेकिन इसका और इसका दोनों का साइन सेम है प्लस प्लस तो सेम साइन सिंगल रोटेशन और पॉजिटिव समय पता चल गया कि वो सिंगल रोटेशन कौन सा होगा राइट रोटेशन तो इसको राइट में कर दिए इन शॉर्ट ये है और बाकी आप इसे एल एल और आर आर टेक्निकली समझिए कैसे भी समझिए करना आपको यही है अब हम डबल रोटेशन पर आ जाते हैं क्योंकि एल रोटेशन और आर रोटेशन हमारे डबल रोटेशन कहलाते हैं तो सबसे पहले हम

राइट ऑफ लेफ्ट मतलब ये सी बी के राइट right में अटैच हुआ है और ये बी खुद ए के लेफ्ट में था इसीलिए इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ लेफ्ट सिचुएशन और इस राइट ऑफ लेफ्ट सिचुएशन में जिस रोटेशन को यूज करते हैं दैट रोटेशन इज कॉल्ड राइट ऑफ लेफ्ट रोटेशन और एल आर रोटेशन एल आर से नाम से क्लियर है पहले लेफ्ट फिर राइट right. तो आप देखिए इनका जब बैलेंस फैक्टर आप लिखिए एक, एक नोट का लीफ नोट का जीरो होगा क्योंकि वन माइनस वन जीरो लिखेंगे तो वन माइनस टू तो माइनस वन हो गया इसका बैलेंस फैक्टर लिखेंगे तो वन टू थ्री लेफ्ट हाइट हो गई थ्री और राइट right हाइट में देखेंगे तो अकेला यही है तो थ्री माइनस वन तो ये प्लस टू आ गया अब देखिए जहां साइन डिफरेंट हो गए है, है ना तो यहाँ पर डबल रोटेशन होगा इन शॉर्ट जैसे आपको लास्ट की ट्रिक बताई थी ऐसे आप यहां भी याद रख सकते हो कि डिफरेंट डी फॉर डिफरेंट एंड डी फॉर डबल तो जहां पर आपको दिखे कि आप बॉटम टू टॉप चेक किया आपने इसका भी बैलेंस फैक्टर ओके था इसका भी बैलेंस फैक्टर ओके था एंड दिस बैलेंस फैक्टर इज नॉट ओके तो जहां पर आपको ये नॉट ओके बैलेंस फैक्टर मिला उसके ठीक जहां पर वो अटैच है जिस नोट पर वो अटैच था ये ये, इसके ये लगा हुआ था तो बॉटम टू टॉप देखिए तो इन दोनों का जो साइन है वो डिफरेंट है यानी यहाँ डबल रोटेशन होना है अब हम अगर दोनों जगह हमें डबल रोटेशन करना है तो सबसे पहले यहाँ भी कर सकते थे यहाँ भी कर सकते थे तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ करेंगे अभी हमने थोड़ी दो थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हम सबसे पहले डीपेस्ट लेवल को पहले बैलेंस करते हैं यानी कि पहले इसको ओके करेंगे फिर इसे ओके करेंगे तो यहाँ का साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर लेफ्ट रोटेशन आएगा और यहाँ का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पर राइट रोटेशन आएगा जब इसको लेफ्ट कर लेंगे उसके बाद जो रिजल्टेड ट्री मिलेगा उस पर फिर राइट रोटेशन करेंगे इसीलिए इसको एल आर रोटेशन कहते हैं पहले लेफ्ट रोटेशन फिर राइट रोटेशन आप चाहे ऐसे याद रखिए वैसे याद रखिए डीपेस्ट लेवल वाला याद रखेंगे तो भी आपको पहले इसका लेवल अगर वन है तो इसका लेवल अगर जीरो है तो इसका लेवल वन हुआ इसका लेवल टू हुआ तो डीपेस्ट लेवल पे पहले करेंगे तो पहले इसको बैलेंस करेंगे फिर इसको करेंगे या आप इसी को अगर एल मान रहे हैं कि ये लेफ्ट में अटैच था उसके बाद ये राइट right में अटैच था तो एल रोटेशन में पहले लेफ्ट फिर आर आ रहा है यानी कि राइट right. अब इसको स्टेप बाई स्टेप देखिए सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो लेफ्ट रोटेशन जब करेंगे तो ये पार्ट थोड़ी देर के लिए कर लीजिए कि ये इससे डिटैच हो गया केवल इस पर फोकस सी और बी पर तो इसके आप इसी पर फोकस कर सको इसलिए मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है केवल ब्लैक पार्ट को मत देखिए हमें बी पर रोटेट करना है तो यानी कि बी यहाँ से जुड़े तो सारे हुए हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए करिए कि बी यहाँ से डिटैच हो गया और केवल सी बी है और बी नीचे आके सी का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा ये ऐसे देखिए पहले तो यहाँ डिटैच हो गया फिर ये यहाँ से हिस्ड है तो ये यहाँ से रोटेट होके पूरा ये पार्ट इतना रोटेट होके आके और नीचे सी का लेफ्ट चाइल्ड बन गया जैसे यहाँ से यहाँ से धक्का दे दिया इसको ये नीचे आ गया और यहाँ पर यहाँ के लेफ्ट चाइल्ड बन गया अब ये रोटेशन हो गया अब इसको ले जाके यहाँ पर फिट कर देंगे इस असेंबली को यहाँ जोड़ देंगे तो जोड़ देंगे तो कैसे मिल जाएगा ये मिल जाएगा यानी कि इस पर जब आप लेफ्ट रोटेशन यहाँ पर करोगे तो हमें ये मिलेगा इन शॉर्ट इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ये कि अगर ये ट्री था और इस पर हमने लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म किया तो हमें ये मिल गया यानी कि सी यहाँ आ गया और बी यहाँ आ गया ये पूरी ए सी बी हो गया अब एक रोटेशन तो परफॉर्म कर लिया अब ये डबल रोटेशन का केस है दूसरा रोटेशन पॉजिटिव है जो कि प्लस टू है तो ये राइट रोटेशन यहाँ पर होगा तो राइट रोटेशन जब करेंगे तो देखिए ये पूरा पार्ट ये नीचे उतर के आएगा और सी का राइट शाइड बन जाएगा जैसे ये देखिए तो अभी तक ए रूट पर था लेकिन अब चूंकि ए नीचे आ गया उसका राइट right चाइल्ड बन गया तो सी टॉप पर आ जाएगा और इसके दो चाइल्ड बी और ए बन जाएंगे तो ये अनबैलेंस ट्री था ये पार्शियली बैलेंस ट्री है या इंटरमीडिएट ट्री है इसका बैलेंस फैक्टर आप लिखें ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो फाइनल ट्री बनेगा उसका बैलेंस फैक्टर जरूर लिखना पड़ेगा और जब आप इसका बैलेंस फैक्टर लिखेंगे तो देखिए इसका बैलेंस फैक्टर होगा जीरो वन माइनस वन जीरो वन माइनस वन जीरो वैसे भी लीफ नोट का जीरो ही होता है और इसका बैलेंस फैक्टर होगा टू माइनस टू लेफ्ट हाइट हो गई टू राइट हाइट हो गई टू टू माइनस टू तो इसका भी जीरो हो गया ये कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया दिस इज द एलआर रोटेशन आप इसको ऐसे ये समरी है एलआर रोटेशन की ये इंटरमीडिएट और ये फाइनल ट्री दिस इज द समरी ऑफ एलआर रोटेशन नाउ वी कम टू द आरएल रोटेशन आर एल लेफ्ट ऑफ राइट रोटेशन यानी कि जो रिसेंटली एक ट्री था ए, ए ए नोट था उस पर बी अटैच हुआ उसके लेफ्ट में सॉरी उसके राइट में और नेक्स्ट नोट उसके लेफ्ट में अटैच हो गया तो आप सी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सी इज अटैच टू द लेफ्ट ऑफ बी व्हिच इज ऑलरेडी इन द राइट ऑफ ए सी इज इन द लेफ्ट ऑफ बी व्हिच इज ऑलरेडी इन द राइट ऑफ ए तो अगर ये एनसिस्टर नोट कैपिटल एन जिसको हमने कहा था वो मान ले तो सी की पोजिशन क्या हो गई लेफ्ट ऑफ राइट तो इस सिचुएशन को बोलते हैं लेफ्ट ऑफ राइट इस अटैचमेंट को बोलेंगे सी का जो अटैचमेंट हुआ वो कहलाएगा लेफ्ट ऑफ राइट सिचुएशन और लेफ्ट ऑफ राइट अटैचमेंट और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अगर आप सबके बैलेंस लिखें तो इसका बैलेंस फैक्टर होगा टू माइनस वन यानी प्लस वन और इसका बैलेंस फैक्टर होगा लेफ्ट हाइट यानी कि वन और राइट हाइट हो गई थ्री तो वन माइनस थ्री मीन्स माइनस टू तो ये आउट ऑफ लिमिट है यानी ये नॉट अलाउड है तो इसको बैलेंस करने के लिए पहली मिले, उसके साथ लगे वाले नोट को देखिए साइन निगेटिव है डिफरेंट साइन मीन्स डबल रोटेशन अब पॉजिटिव से पता चला कि इसको राइट right रोटेट करना है और निगेटिव से पता चला इसको लेफ्ट रोटेट करना है तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं यहाँ पर राइट right रोटेशन करेंगे तो राइट right रोटेशन जब करेंगे तो देखिए ये बी नीचे आके सी का राइट right चाइल्ड बन जाएगा ये ऐसा ही और उसके बाद इसको ले जाके ऐसा ऐसा आपको रिज्यूम करना है आपको तो डायरेक्टली लिख देना है लेकिन वो हुआ कैसे बैकग्राउंड में वो आपको मैंने यहाँ पर पूरा समझाने की कोशिश की है कि पहले बी इधर आया फिर ये पूरी असेंबली जो थी उसको ले जाकर ए के राइट right में अटैच कर दिया तो यानी कि अगर हम बी पर राइट right रोटेशन करेंगे तो यानी हम कहना चाह रहे हैं कि ए और सी और फिर बी आ जाएगा

जहां पॉजिटिव है वहाँ राइट रोटेशन जहाँ निगेटिव लेफ्ट रोटेशन एंड आफ्टर दीज टू वी सिंपली गेट दिस कंजीक्यूटिंग ट्री बिकॉज द बैलेंस फैक्टर ऑफ ए एंड बीज जीरो एंड द बैलेंस फैक्टर ऑफ सी इज ऑल्स टू जीरो तो ये इस तरह से आर एल रोटेशन के बाद हमें एक बैलेंस ट्री मिल गया सो दिस इज ऑल अबाउट द रोटेशन इन दल ट्री एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट Because without understanding these rotations, you cannot create any AVL trees. So thank you for watching. Kindly like, subscribe my channel, keep easy learning with Krishna, and this is my email ID. So thank you again for watching.